शिवपुरी जिले की खनिया थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। हम आपको बता दें कि खनिया थाना क्षेत्र में लंबे समय से कंजरों द्वारा अवैध रूप से जहरीली कच्ची शराब को बनाकर बेचा जा रहा था। इससे पहले भी खनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने कई अवैध शराब की फैक्ट्री का सुराग लगाकर उन्हें नष्ट करा चुकी है। आज फिर एक बार एक कच्ची शराब की फैक्ट्री का सुराग खनिया थाना पुलिस को लगा था, जिसे मौके पर पहुंचकर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। खनिया थाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम गुंडर के कंजर डेरा अचरोनी सोनी के कुआ पर अवैध रूप से कच्ची शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। साथ ही 80 लीटर हाथ भट्टी से बनी हुई देशी शराब को भी बरामद किया गया। साथ ही 12,000 लीटर गुड़ लहान के साथ शराब बनाने की सामग्री को भी मौके पर नष्ट कर दिया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, कल जो शराब पकड़ी गई है उसमें क्या कार्रवाई की गई? कल रात को मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अचरोनी कंजर डेरा पर रूबिया कंजर आदि लोग अवैध रूप से भारी शराब बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर से मैं फोर्स के मैं मेला आरक्षक के धविश दी गई तो कंजर डेरा से आरोपिया रूबिया मिली, जिसके कब्जे से 80 लीटर देसी हाथ भट्टी कच्ची शराब मिली थी तथा 6 ड्रमों में करीब 1200 लीटर लहान मिला था। शराब बनाने का कारखाना मिला था, ड्रम देखचार मिले थे। उसके आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी के विरुद्ध अपराध मांग 131/23 कायम किया गया है तथा अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।